हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक चैलेंज गाइस। और इसमें तो आपको मालूम है कि एक ब्लॉक मिलते हैं अपन को, उस एक ब्लॉक में अपन को पूरी दुनिया बनानी है गाइस। तो अभी हमें डर्ट पर डर्ट मिले जा रहा है, तो इस डर्ट का हमें क्या करना है, मैं साइड में कुछ एरिया बना दूंगा क्योंकि हमें यहाँ से एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अभी ये देख लेते हैं कि कब तक डर्ट मिल रहा है। और बीच बीच में कुछ लिखा भी आ रहा है, लेकिन कौन सी भाषा में लिखा है, कौन सी स्पेनिश है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और चेस्ट आ गया अचानक से, और इसमें अच्छा इन लोग का ही सामान है और वो एक ब्रेड दिया है, तो ब्रेड अपने काम का, बाकी काम का है नहीं। तो ये जो मेन ग्रास ब्लॉक है ना गाइस, इसके चारों तरफ मैंने डर्ट लगा दिए ताकि इसकी ग्रास थोड़ी फैले। अब पता नहीं कैसे फैलेगी ये, लेकिन जब भी फैलेगी इसमें तो कम से कम आएगी ग्रास। तो जब तक के लिए हम ये वाला तोड़ते हैं, और इससे हमें सेंटर भी मालूम चल रहा है। तो अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग भूल नहीं जाए कि मेन ब्लॉक कौन सा है, इसलिए मैं पूरा देख के आराम आराम से बनाऊंगा। और ये मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी और चीज़ें मिलेंगी, जैसे चेस्ट अपने पास है, तो इन सब के लिए भी अपन को जगह बनानी पड़ेगी ना। तो ये जगह बनाते हैं और ब्रेड अपन चेस्ट में डाल देंगे। आर्मर स्टैंड का तो अभी कोई काम है नहीं, और अभी तक इसके अलावा कुछ मिला नहीं है। ये क्या है, ये है अपना, क्या था ये, क्ले है। ये क्ले का क्या यूज़ रहता है यार माइनक्राफ्ट में, चलो मुझे देखना पड़ेगा ये। और एक शीप भी आ चुकी है, तो चलो शीप आ चुकी है तो अपन थोड़ी फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके खाने के लिए ग्रास है नहीं, इसको वेट करना पड़ेगा जब तक ग्रास उगती है। जब तक के लिए तू खड़े रहे, लेकिन थोड़ा इधर आ खड़े हो जा, मैं भी अपना काम कर लूँ। चल यार इधर आ जा थोड़ा सा। यार ये कैसे आएगा यार, इसको वीट भी नहीं दिखा सकता। और ए नहीं 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 क्या कर रहा है यार, ये मेरी जो अकेली ग्रास ब्लॉक थी ना ये भी खा गया। लेकिन तू इधर आ यार, अभी मैं डर्ट तोड़ूंगा और तू भी साथ में नीचे चल जाएगा, इसलिए तू इधर आके खड़े हो जा, तो मैं अपना काम कर लूँ आराम से। और ये शीप जब से मेरे सर पे चढ़ी थी कि ये बतख भी आ गई। अब इस बतख को भी साइड करो यार, ये बतख जैसे मुँह वाला जो चिकन है ना, इसको साइड करो और इन दोनों को हटा दो। कैसे देख रहे यार, मतलब क्या मैं काम नहीं करूँ, मतलब इनको ही देखते रहूँ, क्या करूँ मैं। और ये कुछ अलग आया, ये शायद से लकड़ी है, तो ये सही, अपन को एक प्लैंक मिल जाएगा तो इससे अपन पिकैक्स ये सब बना सकते। और मैं ना साइड का एरिया एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि ये लोग जाके खड़े हो जाए, वरना यहीं पे मेरे सर पे नाचते रहेंगे ये लोग। तो यहाँ पे अपन जितनी भी डर्ट है ना, इसकी एक जगह बना देते हैं अच्छी खासी। तो इस लकड़ी से तो पहले अपन क्राफ्टिंग टेबल बना लेते क्योंकि वो अपना मेन है। तो ये अपना टेबल बन गया, और इसको तो अभी अंदर रख देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। और ये देखो अपनी ग्रास फैल चुकी है एक ब्लॉक तक, तो ऐसी ही फैलते जाएगी सारे ब्लॉक तक, तो इसलिए अपन को एक ग्रास तो रखना ही पड़ेगा। चलो एक अपने हो गया है, ये अब बाकी में फैला देगा। तो अभी और अपन को कुछ करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे अपन को पम्पकिन के अलावा कुछ मिला है नहीं खास अभी तक, एक प्लैंक मिला है, तो इससे अपन पिकैक्स बना सकते हैं अब। और यहाँ पे जब अपन को पानी मिलेगा तो हो से अपन इसे खोद देंगे और ऐसे पम्पकिन वम्पकिन लगा देंगे। पम्पकिन तो ये लगा हुआ है, वैसे बना हुआ है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। सीड मिलेगी तो लगाएंगे, और देखते क्या मिलता है। ये क्ले बार बार मिल रहा है, लगता है इसका कुछ अच्छा यूज़ है स्टार्टिंग में। और ये कोई सी नई चीज़ आई है क्योंकि ये देखो ये टूट नहीं रही है एक्स से, लेकिन ये पिकैक्स से जल्दी टूट रही है। तो इसको भी तोड़ के देखते क्या है ये। और ये है अपना बोन ब्लॉक। बोन ब्लॉक क्या यार, ये कुछ नया है, मैंने पहले देखा नहीं इससे पहले, तो इसको भी मैं बाद में देखता हूँ क्या है ये। और अभी देखो शाम हो गई गाइज, रात होने वाली है, बेड बेड का तो जुगाड़ है नहीं अपने पास। शीप जो थी अकेली वो भी नीचे गिर गई, तो तीन शीप तो चाहिए अपन को, तो अपन को रात पूरी सर्वाइव करनी पड़ेगी। वैसे मॉब शायद आएंगे नहीं इतने से एरिया में, देखते हैं क्या होता है, अभी तो रात होने वाली है। और ये निकली अपनी ज़मीन से गाइज, तड़कती भड़कती रंग बिरंगी मशरूम काओ गाइज। और ये बहुत ही रेयर मॉब है मैंने ऐसा सुना है, तो इसलिए इसको बचा के रखना पड़ेगा। देखना है हमें ये गिर नहीं जाए गलती से भी, और इसको अपन फीड करके ना इसके ब्रीडिंग भी करा देंगे एक और ऐसी आ गई तो। और जानवर क्या है बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मैंने जगह थोड़ी और एक्सपेंड कर दी क्योंकि ये लोग वहीं घूमते रहते हैं नहीं तो, और ऐसे गिर जाएंगे गलती से। और अगर अपनी कहाव गिर गई ना तो फिर वापस पता नहीं मिलेगी कि नहीं, इसलिए इसको संभाल के रखना पड़ेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रास है ना ये थोड़ी सी फैल चुकी है, तीन ब्लॉक तक आ चुकी है, तो ये अपने काम का है। और क्लेव लिए अभी वही सामान मिल रहा है, जो मिल रहा था ना वही का वही मिल रहा है, और कुछ नया मिल नहीं रहा है। तो कुछ वाटर मेलन मिले मुझे, तो इसको अपन क्या कर सकते गाइस, इसकी सीड निकाल सकते हैं, और सीड निकाल के इसकी अपन ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, इसका फार्म बना सकते हैं। तो अभी तो पानी है नहीं, लेकिन सीड निकाल के रख लेते हैं, जैसे ही पानी आएगा ना ये अपन निकाल लेंगे। और मुझे हे बेल भी मिला था, तो इसका मैं वीट बना लूँगा और इसको बाद में अपन खिलाएँगे जैसे अपने पास दो काव हो जाएगी। और देख सकते हो आपकी ग्रास काफ़ी अच्छे से फैल चुकी है, और मुझे हो रही है कन्फ्यूजन, इसलिए अपन को यहाँ पे एक ब्लॉक रखना पड़ेगा ताकि मुझे याद रहे कि इसके सामने वाला ब्लॉक ही मेन है। तो अभी के लिए अपन इसे ऐसा मारकर यूज़ कर लेते हैं। ये गाय यार, गाय और आके ऊपर खड़ी हो जा रही है, बस इसको नीचे गिरना ही है। और आपने देखा ही होगा मेरे पास दो काव हो चुकी है, तो इसकी ब्रीडिंग मैं करूँगा आराम से क्योंकि अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, जब तक अपन एरिया एक्सपेंड कर लेते हैं अपना।
हाँ तो अब सुबह हो गई है गाइस, तो अब मैं आपको खिला के दिखाता हूँ क्योंकि रात में ना मज़ा नहीं आता। तो ये देखो अभी अपन इसको खिला देते हैं शीप को, ये तो अकेली है वैसे, इन काओ को खिला देते हैं, फिर ये एक रंग बिरंगा मशरूम ब्रीड करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक आने वाला है बहुत ही प्यारा सा काओ, और ये शीप तो अकेला ही है। और ये कहाँ है, कहाँ है छोटा काओ का, ये रहा, ये देखो ये आया बिल्कुल ही प्यारा सा। और ये चिकन तो अभी अकेला ही घूम रहा है, तू भाई अभी अकेले अपनी ज़िंदगी काट जब तक कुछ दूसरा नहीं आ जाता। और स्वागत करिए गाइस हमारे पिग का गाइस, क्योंकि पिग आ चुका है अब हमारे वर्ल्ड में। तो तू अब साइड हो जा, नीचे चेस्ट रखा है मुझे वो खोलना है, तेरे पे इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और यहाँ पे हमारी काओ बिल्कुल ही आज्ञाकारी तरीके से खड़ी है, ये एग भी फोड़ के देख लेते, एक आध लक चल जाए तो कुछ नहीं चला। चलो अब ये चेस्ट में से निकालते क्या है। और अपने पास बहुत सारी ब्रेड, कुछ सैपलिंग गाइस, एक वाटर बकेट और एक पिकैक्स है, तो मज़े आ गए। अब एक वाटर बकेट से अपन कम से कम फार्मिंग तो कर ही सकते हैं, और अपन को नीचे का ब्लॉक बनाना है लेकिन उससे पहले, क्योंकि फार्मिंग कैसे करेंगे, ऊपर तो बना सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपन को बहुत ही खतरनाक ट्रिक करके ना नीचे जाके एक डर्ट लगाना पड़ेगा। तो गाइस एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक ब्लॉक तोड़ा और ये पानी डाला अपन ने इधर, तो ये पानी अब बहते हुए नीचे गया। अब अपन को इस पानी से बहते हुए ऐसा जाना है कि अपन डूबे भी नहीं और नीचे भी नहीं गिरे, और साथ में अपन डर्ट लगा के ऊपर भी आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है, और फ़ोन में तो डिफ़िकल्टी आपको मालूम ही है इस कंट्रोल से। तो बस यहाँ पे मुझे डर्ट लगाना है, और मैं ना डूबते जा रहा हूँ, इसकी सांस जा रही है लेकिन ये डर्ट लगा नहीं पा रहा, शायद से मैंने लगा दिया इसलिए मैं ऊपर आ गया हूँ। अब बस चेक करना है सही लगा है कि नहीं। तो ये पानी पहले तो निकालो, उसके बाद हमें दिखेगा कि क्या किया हम नीचे जाके। और यहाँ से अपन देख सकते गाइस डर्ट लग चुका है, और मैंने डर्ट काफ़ी वेस्ट कर दिया यार, इसलिए ये वाली डर्ट है ना अपन कलेक्ट कर लेंगे जैसे ही नीचे गिरी। अरे यार मैं कलेक्ट करने के चक्कर में ना अपना ना पूरा का पूरा गेम बिगाड़ गया। तो गाइस अपना वाटर बकेट गया, बाकी कुछ सामान तो गया नहीं है, वैसे वाटर बकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी तो मैंने चेस्ट में डाल ही लिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपन ने नीचे डर्ट तो लगा दिया, एक काम तो हो गया। लेकिन डर्ट डाल तो दिया लेकिन पानी है नहीं, तो डर्ट का भी कोई काम है नहीं अभी। तो बहुत ही प्यारा सनराइज हो रहा है गाइस, और सनराइज के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो डर्ट नीचे लगाई थी वो लग चुकी है पूरी, और यहाँ पे तीन पेड़ अपन ने लगा दिए हैं, और अपना जो एरिया है ये अभी एक्सपेंशन पे, क्योंकि इसको अपन थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं लगा नहीं सकता। देखो यहाँ पे अपन को फार्मिंग करनी है, इसलिए इसकी जो पीछे की जगह ना वहाँ पे अपन को फेंसिंग लगा के अपने जो प्यारे पशु पक्षी है इनको अंदर डालना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं जगह बहुत बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है डर्ट मिल नहीं रही है, जैसे बीच बीच में लकड़ियाँ मिल जा रही है, और लकड़ियाँ अपन लगा नहीं सकते क्योंकि लकड़ियाँ तो चरेंगे नहीं ना, ये लोग घास चरेंगे, इसलिए लकड़ियों का अभी कोई यूज़ नहीं है, मुझे डर्ट चाहिए जो कि मिल नहीं रही है रेगुलरली। तो थोड़ी बहुत जगह काफ़ी है इन सबको अंदर डालने के लिए, वैसे भी अपने पास घास तो है नहीं जो लोग चरेंगे, तो थोड़ी सी जगह मैंने सबको बंद कर देते हैं। तो फेंस मैंने बना लिए, साइड में प्लैंक लगा दी क्योंकि जगह है ही नहीं, डर्ट मिल ही नहीं रही थी, इसलिए प्लैंक से ही काम चलाना पड़ा। तो इतनी सी जगह मैंने सबको भर लेते जो जो अंदर आ रहा है, बच्चे का अपना पिग और अपना चिकन, क्योंकि वो सीड और कैरेट से आएगा। तो अभी गाय और भेड़ बकरियों को अंदर डाल देते, बाकी का जुगाड़ अपन बाद में करेंगे। अब मैं पीछे का एरिया बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि जानवर ही जानवर स्पॉन होते जा रहे, तो जगह ना बहुत ही कम पड़ रही है, और अपन को एक्स्ट्रा फेंसिंग भी बनानी पड़ेगी अलग अलग जानवरों के लिए, इसलिए मैं अभी से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ गाइस। बस डर्ट मिल जाए यार, डर्ट बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही है। और ये कुछ लिखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या लिखा है, एक चीज़ समझ में आ रही कि बेड रॉक है यहाँ पे और टाइमर है, अब पता नहीं ये फटने वाला है क्या होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि बेड रॉक तो टूटेगा नहीं हाथ से, अब पता नहीं इसका करना क्या है। मैं जाके ना छुप जाता हूँ जब तक, फिर देखते क्या होता है, 7 सेकंड के बाद इसके ऊपर चढ़ जाते, ऊपर से अच्छा व्यू मिलेगा अगर कुछ होगा तो। और ये मैं चढ़ गया, अब देखते क्या होता है इसमें, और 1 सेकंड भी हो गया कुछ भी नहीं हुआ, बस वो चला गया, पता नहीं क्या था यार, एक तो स्पेनिश में लिखा है ना तो समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है। और ये भाई पहली बार कोल आया हमारे हाथ में, तो चलो थोड़ा कुछ अपग्रेड हुआ है लग रहा है मुझे, क्योंकि कोल मिल रहा है अब, और अब तो कॉबल स्टोन भी मिलने लग गया यार, मुझे लग रहा है वो अपग्रेड हुआ था बेड रॉक से। तो अब अपने पास है ना थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आ रही है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि अपन को डर्ट नहीं मिलेगी तो अपन एरिया एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो समझ नहीं आ रहा मुझे अभी वो कैसे करना है। और वाटर बकेट तो एक ही मिली थी, वो गिर गई, अब पता नहीं दूसरी कब मिलेगी। और ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो गया इसमें, और क्या ही मारा यार इसने, इसके हाथ में पत्थर और क्या डैमेज दे रहा है यार, मतलब ये नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, इसको जल्दी मारना पड़ेगा। देखो मैं आउट ही होने वाला था बस, तो इसको मैंने मार दिया, इसके हाथ का पत्थर भी छीन लिया है, तो अब मैं समझ गया हूँ कि मॉब भी स्पॉन हो सकते, बस क्रीपर स्पॉन हो गया ना,
तो पता नहीं वन ब्लॉक रहेगा कि वो जीरो ब्लॉक हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो देखते हैं, अपन को स्टोन मिल रहा है, अभी अपन स्टोन के पिकैक्स ये सब बनाएंगे थोड़ी देर से। और ये गोल्ड मिला है लेकिन इसको अपन निकाल नहीं सकते, इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ, क्योंकि स्टोन पिकैक्स से भी ये टूटेगा नहीं, आयरन पिकैक्स से टूटेगा, और आयरन अभी तक मिला है नहीं मुझे, इसलिए अभी अपन इसका कुछ यूज़ कर नहीं सकते, तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा अभी। और आयरन दिख गया फाइनली गाइस, तो इससे अपन आयरन पिकैक्स बना सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे बनानी है, जब ना शीयर्स होता है ना वो मुझे बनाना है, क्योंकि जो अंदर जाने की जगह है ही नहीं यार, इतना छोटा सा फेंसिंग है ना, तो गाय भैंस बकरी मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही, तो मुझे कारपेट बना के ना वहाँ से कूद के जाना पड़ेगा अंदर। और अब तो मज़े ही आ रहे गाइस, बीच बीच में ना चेस्ट मिल रही है, तो चेस्ट में देखो मुझे एमराल्ड मिला है, और यहाँ पे कोल मिला है, एरोज मिली है, और अपना जो लेदर जैकेट होता है ना चेस्ट प्लेट वो तक मिला है, और ये तो मैंने मारा था जॉम्बी को वो है, ये अपना आयरन सॉर्ड भी मिला है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है चेस्ट से बहुत। देखते अगर अपन को पानी मिलता है क्या, तो ये फर्नेस पे अभी मेरा आयरन चढ़ा है गाइस, क्योंकि मुझे ना शियर बनाना है कारपेट के लिए, दो ही आयरन है मेरे पास, तो उससे पिकैक्स तो बन नहीं सकता, एक पता नहीं कब मिलेगा, शियर बना लेते हैं, क्योंकि इन सबको अंदर डालना पड़ेगा यार, वरना ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बीच बीच में आके ना खड़े हो जाते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है, और टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलो शीप तो है अपने पास गाइस, अब आओ इसको नंगा करते, ये देखो ये मैंने उतार दिया इसका वूल, ये रहा, और ये वूल से अब अपन कारपेट बनाएंगे और उसको लगा देंगे जाके। तो सबको अंदर डाल दिया मैंने, बस ये पिग और चिकन बाहर घूम रहे हैं, और ये चेस्ट प्लेट भी पहन लेता, क्योंकि बीच बीच में मॉब स्पॉन हो रहे हैं, तो अपन के पास थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो होगी, पता नहीं इससे मिलती भी है कि नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलेगी, या तो स्टाइल के लिए अच्छा लग रहा है। और ये लेदर वेदर अंदर डाल देते, जो मैंने मशरूम का है ना वो सिर्फ दो ही संभालिएगा इस, बाकी को मैंने मार दिया, क्योंकि फालतू में भीड़ मच रही थी तो अच्छा लग नहीं रहा था। और ये देखो ये गोल्ड है अपने पास, लेकिन गोल्ड तोड़ने के लिए कुछ है नहीं। और ये लावा बकेट मिल गया है मुझे, इसका क्या यूज़ है अभी तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शायद नेदर पोर्टल बनेगा क्या इसमें, वन ब्लॉक में तो नहीं बनता होगा, पता नहीं मुझे, देखते भी क्या होता है। लावा बकेट मैंने संभाल के रख लिया है, पानी की बकेट अभी तक मिली नहीं है, एक ब्लास्ट फर्नेस ज़रूर मिला है, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं, और एक बो भी अपने पास, फ्लिंट भी है, और आयरन पिकैक्स भी इनने खुद ही दे दी, इनने बोला तेरे बस की नहीं हम खुद ही दे देते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही किया है अपन ने गाइस, अपनी जो फेंसिंग है वो लग चुकी है, जो फार्म का बेस है वो लगा दिया है, और थोड़ा बहुत सामान भी मिल चुका है अपन को, तो देखते अब क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और अगर मेरे माइनक्राफ्ट की पिछली वीडियोस देखनी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, देख लो दबा के।